नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले एक चीज़ कह देते हैं कि लोग सोचते हैं कि कंपनी में जाने से सारा सब कुछ हम लोग चेंज कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ रिपेयरिंग करने से 100% श्योरिटी मिलता है उसको ज़रूर रिपेयरिंग ही करते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है ये गाड़ी की हाइड्रोलिक क्लच के ऊपर है। वैसे हाइड्रोलिक क्लच के में कोई किसी तरह का एडजस्टमेंट होता नहीं है, बट इस गाड़ी में या फिर ये जो प्रॉब्लम के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे ये है ऐसा कि गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में जब आप सुबह या फिर बहुत ठंडा कंडीशन में जब फास्ट स्टार्ट करते तो गाड़ी की क्लच में कुछ भी इशू नहीं होता है। जैसे जैसे गाड़ी थोड़ा बहुत हीट होता जाता है, गर्म होता जाता है, कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की जो क्लच पैडल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी गर्म होने के बाद क्लच बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाता है। आप क्लच दबाते तो है बट क्लच इंगेज डिसंगेज वाला जो काम है ये प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो ये क्लच कुछ देर चलने के बाद हार्ड हो जाना या फिर स्पॉन्जी हो जाना, ये दोनों का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से होता है। गाड़ी की जो ये स्लिप सिलेंडर है ये ख़राब होने की वजह से ही ये क्लच हार्ड होना या फिर स्पॉन्जी होना हॉट कंडीशन में। मतलब गाड़ी थोड़ा देर चलने के बाद पहले सॉफ्ट रहेगा, कुछ देर चलने के बाद ये सिलेंडर ख़राब होने की वजह से ये प्रॉपरली काम नहीं करता है, तो तब जाके गाड़ी की जो क्लच है ये हार्ड हो जाता है। और इस तरह के केस में आपको अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि गाड़ी गर्म होने के बाद इस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, आपको पहले गाड़ी को साइड कर देना है, गाड़ी की जो बोनेट रहता है उसको मतलब खोल देना है, और अगर पॉसिबल हो तो ये जो सिलेंडर आपको दिखेगा ये सिलेंडर के ऊपर थोड़ा बहुत पानी, अगर पॉसिबल है तो पानी दे दीजिए। तो क्या होगा, ये जैसे ठंडा हो जाएगा फिर आपकी गाड़ी की जो क्लच है ये बिल्कुल सॉफ्ट काम करेगा। ये बस अगर कभी भी आप ऐसा सिचुएशन के मतलब पड़ गए तो उसी के लिए, बट इसको कैसे रिपेयर करना है एकदम 100% प्रॉपरली सॉल्व करना है इसी के ऊपर मैं ये बाकी जो वीडियो है ये दिखाऊंगा आपको। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि आखिर जो स्लिप सिलेंडर है उसी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होता है, मास्टर सिलेंडर में क्यों नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे स्लिप सिलेंडर जो है वो गाड़ी की गियरबॉक्स के ठीक ऐसा पोजीशन में लगा हुआ रहता है जिसके कारण गाड़ी जैसे ही चलेगा तो बहुत जल्दी ये स्लिप सिलेंडर हीटअप हो जाता है। बट गाड़ी की जो मास्टर सिलेंडर है इसकी पोजीशन थोड़ा सा दूर में है या फिर ये इंजन के बिल्कुल साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसके वजह से ये मास्टर सिलेंडर बहुत जल्दी हीटअप नहीं होता है, तो इसके लिए इसके ऊपर प्रॉब्लम होने की चांसेस बहुत कम हो जाता है। अब ये मेरा सिर्फ पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ये मैंने शेयर किया। अब इसकी जो प्रॉब्लम है इसको कैसे डायग्नोस करना है ये तो मैंने आपको बता दिया, अब कैसे शॉर्ट आउट करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जैसे कि देख सकते हैं कि ये पुराना मॉडल का i20 है और अभी इसमें ऑलरेडी 50%, देखिए ये खोलना का काम ऑलरेडी चल गया है, बट मेनली जो दिखाना है ये क्लच का रिलीज सिलेंडर है। और इसी सिलेंडर में मेनली जो प्रॉब्लम होता है और इसके वजह से हम लोग पहले क्या करते थे, पूरा कंप्लीट सिलेंडर को ही बदलते थे, यहाँ से पूरा ये जो पार्ट है कंप्लीट चेंज होता था। बट अब इसके अंदर की चाइल्ड पार्ट आ रहा है और हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सिलेंडर कैसे रिपेयर होता है। अभी जो भी गाड़ी होगा मतलब i20 की एलिट हो, एक्टिव हो या नॉर्मल i20 हो, वेन्यू हो, किसी में भी आप ये किट से ये सिलेंडर को रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी ये सिलेंडर को खोल के बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद कैसे रिपेयरिंग होगा, कैसा किट की मदद से वो भी हम आपको दिखाते हैं। खोलो इसको, पाजी हम लोगों के साथ है। तो अभी ऑलरेडी सिलेंडर जैसे कि मैंने खोल के बाहर कर दिया, और मेन जो बात है ये जो किट आप देख रहे हैं ये किट स्पेशली चेंज होगा। इस किट के अंदर क्या है वो एक बार पहले दिखा लेते हैं, इस किट के अंदर क्या है वो खोलो। तो ग्रीस दिया हुआ है, बाकी सारा पार्ट बेर कर बाहर निकालो, मेन पार्ट ये है और एक लॉक दिया गया है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट है और प्राइस है 140 के आसपास, कुछ 139, ठीक है। इसमें अभी ये सिलेंडर को खोल के आपको दिखाते हैं, इसके अंदर इसी तरह का कुछ किट लगा हुआ है जो कि नॉर्मली व्हील सिलेंडर में आपको देखने को मिलेगा, बट व्हील सिलेंडर में ये मेटल का रहता है बट इसमें ये प्लास्टिक का है। और मेनली इसके अंदर एक रबर है, एकदम ऊपर में ये रबर है, ये रबर का ही मेन प्रॉब्लम होता है, तब जाके ये सिलेंडर का जो भी सारा इशू है ये सब क्रिएट होता है।
तो इसकी क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है और अभी इसको चेंज कैसे करना है वो दिखाते हैं। सिलेंडर को खोलो, बहुत आसान है, पहले इसको हटा दिया और अभी यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है। देखिए इसके अंदर जो, जैसा कि किट मैंने आपको ये वाला दिखाया, यही किट इसके अंदर भी है और ये देखिए बिल्कुल पूरा डाउन मूवमेंट में है, ये पूरा नीचे तक है, बट ये खिलना चाहिए, मतलब इसको अप डाउन मोशन ये रहना चाहिए, बट इसमें ये देख सकते हैं आपके पूरा अंदर में फंसा हुआ कंडीशन में है और इसी की वजह से जब भी ये क्लच हीट हो जा रहा है तो हीट होने के बाद जाके ये सिलेंडर के अंदर की जो पिस्टन है या ये जो किट है, ये किट मूवमेंट नहीं हो रहा है और तब जाके क्लच आपका फंस रहा है। गियर शिफ्टिंग में कभी कभी ऐसा हो रहा है कि गियर बहुत ज़्यादा, मतलब क्लच बहुत हार्ड है या फिर ऐसा होता है कि स्पॉन्जी हो जाता है। तो अभी इसको चेंज करेंगे, पहले इसकी जो लॉक है ये लॉक खोलना है। ये लॉक बाहर आ गया, अभी ये जो अंदर वाला ये फंस गया है, ये नॉर्मली इसी तरीके से तो निकलेगा नहीं, तो इसके लिए मुझे पीछे से इसकी एयर प्रेशर देना ज़रूरी है। तो अभी इसमें एयर प्रेशर देंगे और ये एकदम बहुत ज़ोर से बाहर निकलेगा। हाथ संभाल के, हाँ चलो प्रेशर, हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं कि ये अंदर से ये जो पार्ट है, चलो तो अभी ये बाहर आ गया है और ये पार्ट अंदर में था और इसके अंदर जो सिलेंडर का कंडीशन है वो देखिए, ऑलरेडी थोड़ा बहुत काला ऑयल जमा हुआ है, तो इसको भी आपको पूरा अच्छे से क्लीन करना है सूखे कपड़े से। इसको क्लीन करो, थोड़ा स्प्रे मार के वो एयर प्रेशर मार के लाओ, बस बस ठीक है। एयर प्रेशर मार के लेके आओ, इसको अच्छे से मेनली क्लीन करना है और तब जाके इसमें थोड़ा सा एयर प्रेशर भी देना बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर में कुछ भी धूल मैल ना रह जाए। प्रेशर एयर मार के लाओ, तो अभी एयर प्रेशर देने के बाद जितना पॉसिबल था ये ऑलरेडी हमने क्लीन कर दिया और अभी ये किट जो है, इस किट के ऊपर पूरा काम है। इसको रेडी करो, पहले तो ये जो ग्रीस आप देख रहे हैं ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी सूखेगा नहीं, ये ग्रीस का स्पेशलिटी यही है। नॉर्मल ग्रीस टेम्परेचर हाई होने पे क्या होता है, सूख जाएगा, बट ये ग्रीस टेम्परेचर हाई होने पे भी ये सूखेगा नहीं, इसकी जो स्लिपरीपन है ये आप जो नॉर्मली लुब्रिकेशन है वो रह जाता है और इसीलिए इसमें स्पेशल ग्रीस यूज़ होगा। जो रबर का बॉडी है उस रबर बॉडी में मेनली इसको अच्छे से ग्रीस लगा देना है ताकि फ्रिक्शन फ्री है, इजीली मूव कर सके। बस बस बहुत है बहुत है, बस अभी इस किट को हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए अभी ये अंदर जाने से ही बाहर आ रहा है, पहले ये अंदर बाहर नहीं हो रहा था बट अभी ये बिल्कुल स्मूथ है और इस कंडीशन में आपको इसकी जो लॉक है ये लॉक को लगा देना है। अच्छा यहाँ पे और एक टेक्निक है, वैसे नॉर्मली इस तरह से अगर आप इसको लगाने जाएंगे तो इसको प्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या है, इसको प्रेस करके यहाँ पे जो मेन पाइप का लाइन है, इस लाइन को अगर आप प्रेस कर देंगे उंगली से तो ये बाहर नहीं आएगा। इसको पकड़ो एक हाथ से, हाँ ऐसे आपको पकड़ना है, तब जाके आप देखिए इसको अगर हम छोड़ते हैं ना तब ये अंदर ही रहेगा। और एक बार उंगली छोड़ के दिखाओ, ये देखिए बाहर आ गया। ठीक है, तो ये बस एक प्रोसेस है इजीली ताकि आप एक हाथ से काम कर सके। अब ये लॉक को फिट कर दो, ये प्रॉपर बैठना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में देना है। ओके छोड़ दो, ठीक है, अब ये पूरा एकदम जैसा मूवमेंट फ्री होना चाहिए, मूवमेंट बिल्कुल सही है। बस अभी ये किट बाहर का लगा दो,
तो जैसे कि आपने देखा कि स्लिप सिलेंडर के अंदर ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं रहता है, ये सिंपली एक किट रहता है जो कि इसकी प्रॉब्लम होने की वजह से और ख़ास करके इसकी रबर का प्रॉब्लम होने की वजह से ही ये इस तरह का जो भी सारा प्रॉब्लम मैंने बताया ये सब होता है। और अभी ये सिलेंडर बिल्कुल नया ही है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि सिलेंडर बहुत पुराना है और इसके अंदर रस्ट लग गया सिलेंडर के अंदर, जैसा कि मैंने साफ़ करने के बाद दिखाया, अगर वो रस्ट लग जाता है तो उस कंडीशन में आप सिलेंडर को चेंज कर सकते हैं और ये करना तब ज़रूरी रहेगा। बट इसमें जैसे कि आपने देखा कि इनसाइड बिल्कुल मतलब क्लीन था, तो इसके लिए मुझे सिर्फ ये किट चेंज करने से ही इसकी जो प्रॉब्लम है ये एकदम 100% श्योर के ये सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि गाड़ी में सिर्फ ये किट खराब होने की वजह से इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये सब होगा। और मैं ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया ताकि आपके पास अगर इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मतलब अगर मेरे टेक्नीशियन भाई लोगों के पास इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आता है वो इजीली इसको शॉर्ट आउट कर पाए। और अगर आप कोई कस्टमर है तो तब भी आप अभी आपका गाड़ी में मतलब पहले जो ये सिलेंडर कंप्लीट चेंज करना ज़रूरी होता था, अभी ये कंप्लीट सिलेंडर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंदर की जो बॉडी है वो रस्टेड ना हो तो, बट अगर अंदर की बॉडी में रस्टेड है इस कंडीशन में आपको ये पूरा कंप्लीट सिलेंडर ही चेंज करना है। आई होप के ये जो वीडियो है ये पूरा आपको समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड छोटे मोटे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।